हे गाइस, तो बाज़ार में मिलने वाली जो रुमाली रोटी होती है ना, बहुत टेस्टी होती है। तो क्यों ना उसे हम घर में ही बनाएं बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा कप लिया है मैदा और 1/4 कप लिया हमने आटा, और इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। आप चाहें तो प्योर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा मैदा थोड़ा सा आटा यूज़ किया है। अब इसमें बिना किसी एडिशनल सामान के हम सिर्फ पानी से इसका एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे। जैसे नॉर्मल आप रोटी के लिए डो रेडी करते वैसा ही डो बना के रेडी कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। जब भी आप कोई सी भी रोटी या पूड़ी बनाओ ना, तो उसके आटे को कम से कम 10 मिनट के लिए ज़रूर रेस्ट करने दिया करो। उससे क्या होता है कि आपकी रोटी या वगैरह पराठे सॉफ्ट बनते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं और आटे को हम एक बार और मसल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आटा हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है कि इसकी लोइयाँ बनानी है। अब हम छोटी छोटी लोइयाँ बना के रख लेंगे। गाइज, मैंने आपको पहले भी बता रखी हूँ कि यहाँ पे हम बहुत ही इजी तरीके से बनाने वाले हैं एक ही मिनट में बहुत सारी रोटियाँ एक साथ। तो यहाँ पे मैंने 5 लोइयाँ तोड़ ली हैं और अब इसे बेल के हम इसकी रोटी बना लेंगे। मतलब जैसे आप रोटी बेलते ना, तो वैसे छोटे छोटे हम इसको बेल के सारी रेडी कर लेंगे। मैं यहाँ पे 5 रोटियों का एक लेयर बनाऊँगी। आप चाहें तो 6 या 7 भी कर सकते हैं, या अगर कम चाहिए तो आप 3 या 4 भी रख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि सारी जो लोइयाँ थी उनको मैंने बेल लिया है। अब बारी आती है इनको अरेंज करने की। तो सबसे पहले जो हमने बेली हुई थी रोटी, उस पर हम यहाँ पे ऑयल लगा लेंगे। आप यहाँ पे घी या बटर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से मैं उसके ऊपर दूसरी रोटी चिपका दूँगी। और फिर हमें क्या करना है, ये स्टेप रिपीट करते जाना है जब तक कि हमारी 5ों रोटियाँ, 5 मैं लगा रही हूँ, आप चाहें तो 6-7 या फिर 3-4 भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से लगाते जा रहे हैं और उसके ऊपर एक के ऊपर एक हमने चिपका दिए। और अब इसे हम हल्का सा हाथों से प्रेस कर लेंगे और उसके बाद ना इसे हमने, ये देख रहे हैं आप, ये लेयर देखो। अब इसे हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसे अच्छे से बेल लेंगे। इस तरीके से आप बेलिए इसे और हल्के हाथों से प्रेस करते रहिए। बस ध्यान ये रखना है कि कॉर्नर्स पे किनारे मोटे नहीं रहने चाहिए, तो बेलन आपका इक्वली हर डायरेक्शन में घूमता रहे। तो देख सकते हैं आप कोने से भी बिल्कुल पतला हो गया है। अब तवा गर्म करेंगे। यहाँ पर जो तवे में गैस है हमारी, वो हाई फ्लेम पर हमने रखी हुई है, और इसके बाद इसको अलट पलट के पका लेंगे। बस जब ये दोनों साइड से पक जाए ना, तो गाइज़ यहाँ पर स्पीड आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी, मतलब हाई करनी पड़ेगी। और बस देख रहे हैं आप, ये जो इसकी लेयर है ना ऊपर की, ये खुलती जाएगी। तो जितनी रोटी हमने बनाई है उतनी लेयर खुलती जाएगी। तो ऊपर की एक रोटी हमारी ये बनके रेडी हो गई। और फिर जब आप इसको पलटेंगे ना, तो किस तरीके से करना है देखो, ऐसे पलटा और इधर की रोटी तैयार हो गई। कुछ रोटी अगर बड़ी छोटी भी हो गई तो कोई इशू नहीं है, इक्वली पक जाएंगी। तो हम जब तक इसको फोल्ड करें तब तक नीचे की पक जाएगी। ये देखिए, हल्का से स्पैटुला या किसी करछी से प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे गैस की फ्लेम हाई ही रहेगी, और पलटते रहिए, अपने साइड की जो लेयर्स हैं वो निकालते रहिए। तो ये देखिए, मैंने इसको कैसरोल में बंद करके रख दिया था, पूरी 5ों रोटियाँ, और ये बिल्कुल नरम मुलायम आपकी रोटियाँ बन के रेडी हो गई हैं गाइज। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए, रोटी के पीछे से हाथों की छाप दिख रही है, तो दैट मीन्स ये रुमाली रोटी है। रुमाली रोटी की पहचान यही होती है कि बहुत ही पतली होती हैं ये। आप जैसे जैसे इसको उठाएंगे और पीछे से आप देखेंगे कि अगर आपकी उंगलियों के निशान दिख रहे हैं ना, तो ये परफेक्ट पकी हुई है। तो इस तरीके से हमने सारी रोटी अरेंज कर दी हैं और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम बनी है। आप चाहें तो इसे किसी भी सब्जी दाल के साथ सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक रोटी मोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितनी सॉफ्ट है, कितनी पतली है। तो एक रोटी उठाते हैं और ये देखिए, मैं इसे मोड़ रही हूँ और कितनी पतली भी है और इजीली हाथ में भी मुड़ गई। देखिए, मुट्ठी में मैंने बंद करी है, बिल्कुल बंद हो गई है, और जब हम इसे खोलेंगे ना, तो वो अपनी पुरानी शेप में आ जाएगी। तो यही रुमाली रोटी की पहचान होती है। तो गाइज़, फटाफट से उठाइए मैदा और आटा और बनाइए इस टाइप की रोटी। इंजॉय कीजिए।